गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अ न्यू टॉपिक, लेटर राइटिंग। हम लोग आज सीखेंगे लेटर राइटिंग। क्लियर बेटा? लेटर राइटिंग में दो तरह के लेटर होते हैं, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर ऑफिस में लिखते हैं, जैसे एप्लीकेशन लिखते हो आप, ठीक है। इनफॉर्मल लेटर जो होता है रिलेटिव्स को, फादर, मदर, सन, क्लियर, या फिर अपने दोस्त को, फ्रेंड को लिखते हो, तो उसको हम इनफॉर्मल लेटर कहते हैं। राइट, समझ में आ गई बात? तो हम लोग को हाफ ईयरली में पढ़ना है इनफॉर्मल लेटर। हाफ ईयरली का पोर्शन में क्या पढ़ना है बेटा? इनफॉर्मल लेटर। तो पिछले क्लासेस में सुप्रिया मैम ने आपको सिखाया भी है लेटर टू अंकल बर्थडे गिफ्ट के बारे में, तो लेट मी टीच यू अगेन। फिर हम लोग सीखते हैं कि लेटर में होता क्या है। पहला चीज हमें ध्यान देना है बेटा, सेंडर एड्रेस। आप लेटर लिख रहे हैं तो आपका एड्रेस तीन लाइनों में होना चाहिए, ठीक है, 1, 2, 3 लाइन। मान लीजिए कि आप दानापुर में रह रहे हैं, दानापुर कैंट में, उसके बाद तो दानापुर कैंट रोड, दानापुर पटना, तीन लाइन में हो गया। या फिर आपको एड्रेस लिखने में दिक्कतें आती है तो आप एग्जाम में जब अटेम्प्ट करते हो तो आप एग्जाम हॉल में लेटर लिखते हो, तो आप लिख सकते हो एग्जामिनेशन हॉल, एक ही लाइन में भी लिख सकते हो। एम आई क्लियर? समझ में आ गई बात? एड्रेस या तो तीन लाइन में लिखोगे और नहीं तो एक लाइन में। मान लीजिए आप क्लासरूम में बैठ के लिख रहे हो तो आप क्लासरूम का भी लिख सकते हो। एम आई क्लियर? अब समझ में आ गया? नेक्स्ट है आपका डेट। तो डेट जब लिखते हैं हम लोग बेटा, तो डेट जब लिखना होता है तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए आज हम डेट लिख रहे हैं, तो आज का 24th अगस्त 2020 नेक्स्ट लाइन होगा। राइट, सैल्यूटेशन का मतलब होता है डियर फादर। सैल्यूटेशन में क्या होगा? डियर फादर, डियर मदर, माई डियर मोहन, सोहन, जो भी है फ्रेंड को लिखते हैं, तो डियर मोहन, माई बेस्ट फ्रेंड, जो भी है उसके बारे में, तो उसको हम कहते हैं सैल्यूटेशन, अभिवादन हिंदी में कहते हैं। उसके बाद बेटा कंटेंट, बॉडी शुरू होगा 100 वर्ड्स का, हाउ आर यू, आई एम फाइन, इस तरह से शुरू करते हैं हम लोग लेटर। उसके बाद है लास्ट में लेटर को कन्वे माई रिगार्ड्स, विथ रिगार्ड्स करके शुरू करते हैं ना, उसका सिग्नेचर। सिग्नेचरी में क्या होता है बेटा? योर्स फेथफुली, दोस्तों के लिए लिखते हैं। रिलेटिव्स को क्या लिखोगे? योर्स लविंगली या फिर योर अफेक्शनेटली। राइट, और उसके इसको हम दूसरे भाषा में क्या कहते हैं? सब्सक्रिप्शंस बोलते हैं, जो योर्स लविंगली है। उसके बाद आपने लेटर लिखा तो आप अपना नाम लिखोगे। क्लियर? चलिए एक एग्जाम्पल जरा सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है आपका, राइट अ लेटर टू योर फादर, है ना, डियर फादर। और क्वेश्चन क्या था आपका सिलेबस में? कि पापा को लेटर लिखने के लिए कहा गया है और पापा से आपको क्या मांगना है? पैसा मांगना है। तो ये कौन सी लेटर है? इनफॉर्मल लेटर है बेटा। ये कौन सा लेटर है? इनफॉर्मल। राइट, ये इनफॉर्मल, इनफॉर्मल नहीं, एन है बेटा ये। तो अब देखो, एग्जाम हॉल, ठीक है, इनफॉर्मल लेटर समझ में आया ना, आई एन एफ ओ आर एम ए एल, इनफॉर्मल लेटर। अब इसमें देखो, तो अब हम एग्जाम हॉल में अगर लेटर लिखेंगे तो क्या लिख देंगे? यहाँ एग्जामिनेशन हॉल या एग्जाम हॉल एक लाइन में, और चाहो तो यहाँ तीन लाइन में भी अपना एड्रेस लिख सकते हो, जैसे कोई भी आप जगदेव पर, बेली रोड, पटना, तीन लाइन में। उसका डेट 24th अगस्त 2020, डियर फादर, फिर से लाइन चेंज। ये देखोगे बेटा, ये लाइन को एकदम से छोड़ के 1/4 जो आपके कॉपी में लाइन रहता है उसको ध्यान रखोगे। उसका देखिए, माई स्कूल, अब लेटर शुरू कर रहे हैं यहाँ से, देख रहे हो ना, सारा एक ही लाइन से शुरू है। माई स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ पिकनिक, इट इज एन एजुकेशनल ट्रिप, ये एक एजुकेशनल ट्रिप है, एज वेल एज फॉर दिस एवरी स्टूडेंट हैज टू पे 1000 रुपीज। ये बेटा आजकल नया तरीका है रुपीज लिखने का। राइट, तो क्या कर रहा है?
कि मेरा स्कूल जो है वो ऑर्गेनाइज करने जा रहा है पिकनिक, और उसके साथ एजुकेशनल ट्रिप भी है जिसके लिए कुछ फी लगेंगे। तो फी कितना लगेंगे? 1000 रुपीज। बट आई डू नॉट हैव द नेसेसरी मनी विथ मी। मेरे पास 1000 रुपया होगा? नहीं होगा। तो मुझे पापा से मांगना है। तो आई रिक्वेस्ट यू टू सेंड मी दिस सेड अमाउंट एज सुन एज पॉसिबल। जितना जल्दी से जल्दी हो 1000 रुपये पापा क्या करिए, भेज दीजिए। आई एश्योर कर रहा हूँ, सर्टेन कर रहा हूँ कि मैं क्या करूँगा, आई विल डू वेल इन माई एग्जाम। पापा ये मत सोचिए कि हम पिकनिक जाएंगे तो मैं क्या करूँगा, इंजॉय करने लगूंगा, पढ़ाई लिखाई छोड़ दूंगा। नहीं, ये हमारे लिए क्या है, एजुकेशनल ट्रिप है, पढ़ाई लिखाई से संबंधित है, तो जाना जरूरी है। उसके बाद क्या कह रहा है, कन्वे माई रिगार्ड्स टू एल्डर, बड़ों को आदर देंगे, तो कन्वे माई रिगार्ड्स टू एल्डर एंड लव टू यंगर, छोटे भाई बहन भी अगर घर पे हैं तो उनको प्यार देना। और योर्स, योर्स जो सब्सक्रिप्शन बोल रहे थे सिग्नेचरी है ना, तो योर्स का वाई कैपिटल एस, बेटा एपोस्ट्रॉप नहीं लगेगा यहाँ, योर्स लविंगली, राइट। यहाँ पे आप अपना नाम लिख सकते हो, अपना नाम लिखो या एक्स वाई जेड जो भी है, रमन मोहन सोहन जो भी अपना नाम है। मान लीजिए यहाँ पे राम ने लिखा तो यहाँ पे हमने लिख दिया राम। अगर कोई गर्ल्स लिख रही है तो सीता, समझ में आ गया। इसी तरह से अपना नाम या कुछ भी लिखोगे एक्स वाई जेड, अब समझ में आ चुका है सभी बच्चों को कि किस तरह से लेटर लिखेंगे, पहले एड्रेस, फिर डेट, फिर से सैल्यूटेशन डियर फादर, फिर बॉडी शुरू करेंगे, हाउ आर यू आई एम फाइन करके भी शुरू कर सकते हो बेटा, ये माई स्कूल ऑर्गेनाइजिंग पिकनिक करके मैंने लिखवाया आपको, और योर्स लविंगली, राइट। समझ में आ गई बात, अब कोई दिक्कत। अब मान लो कि यही लेटर अगर फ्रेंड्स को रहता तो फ्रेंड्स के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं। अब देखो बेटा सिग्नेचर में क्या हो सकता है फ्रेंड्स के लिए, वाई ओ यू आर एस, योर्स क्या, ट्रूली टी आर टी आर यू एल वाई, ट्रूली वाई है ये, या फिर फेथफुली एफ ए आई टी एच एफ यू एल एल वाई, ये जो है बेटा ये फ्रेंड के लिए लिखा आएगा, एफ आर ई एन डी, फ्रेंड्स के लिए, ट्रूली या फिर फेथफुली। अगर हम कोई रिलेटिव्स को लिखते हैं तो वाई ओ यू आर एस, योर्स लविंगली, या फिर लविंगली के बाद एफेक्ट्स नेटली, ये हम लोग किसको लिखेंगे, रिलेटिव्स को। तो रिलेटिव्स में कौन होते बेटा, फादर होंगे, होंगे ना, अंकल होंगे, उसी तरह आंटी होंगे, होंगे ना, मदर होंगी। अब समझ में आ गया, तब हम क्या करोगे, योर्स लविंगली या फिर अफेक्शनेटली लिखोगे, और उसके बाद यहां पे नाम लिख दोगे, उसी तरह यहां पर अपना नाम लिखोगे। अब समझ में आ गया, फ्रेंड को लिखना होगा तो योर्स ट्रूली और या फिर योर्स फेथफुली, दोनों में से कोई एक लिखोगे। सो नाउ इट्स क्लियर। एड्रेस कैसे बनाना है, 3 लाइन में, जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन का डेट डालना है, 24th, जैसे मैंने अभी बताया था आपको किस तरह से मैंने एड्रेस डेट डाला है वहां पे, 24th TH ऊपर लिखोगे अगस्त 2020, फिर डियर फादर, अब उसी तरह से आप शुरू करोगे सारा चीज बेटा, एक ही लाइन एक ही सिद्ध में रहेगा, सब एक सिद्ध में है ना, इधर आगे पीछे नहीं करना है। सो आई होप लेटर अब समझ में आ चुका है आपको। आई एम गोइंग टू ओवर माई क्लास, नेक्स्ट डे वी विल लर्न अनदर टाइप्स ऑफ लेटर एट योर होम, यू कैन प्रैक्टिस। थैंक यू।